नमस्कार दोस्तों, अभी हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने रक्षा उत्पाद में जो वस्तुएं हैं 101 वस्तुओं के उत्पादन मतलब अपने देश में उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, यानी कि इनका उत्पादन हमारे ही देश में किया जाएगा। अभी जो बाहर से आयात करते थे हम लोग, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसी के संदर्भ में इस आर्टिकल को लिखा गया है। मुझे लगता है कि आपने देखा होगा, अभी हम फ्रांस से हम लोगों ने राफेल खरीदे हुए विमान, तो हमारे देश में बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। तो मुझे लगता है हम लोगों को खुशियां उस दिन मनानी चाहिए जब राफेल से भी जबरदस्त उत्पादन हमारे देश में ही इनका मतलब निर्माण हो, इनका उत्पादन हो। समझ रहे हैं आप लोग? आप समझिए, अभी आप गन खरीदने जाते हैं किसी से, तो हो सकता है कि आपने जो गन खरीदी वही गन आपका दुश्मन भी खरीद सकता है। आप उसे रोक तो सकते नहीं है। आज आप राफेल हमें दिए फ्रांस ने, कल पाकिस्तान के पास पैसा होगा, पाकिस्तान खरीद सकता है, चाइना खरीद सकता है। समझ रहे हैं? मतलब बाहरी देश से मतलब ही टाइप के होते हैं, उन्हें तो अपना मतलब अर्थव्यवस्था से मतलब है, अपने बेचने से मतलब है। आप जो गन खरीदते, आप रोक तो सकते नहीं है कि भाई उसे मत देना है वो गन, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें कोई खुशियां मनाने वाली ज्यादा कुछ बात नहीं थी। हमें सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जब हमारे देश में इससे बेहतर मतलब आप सोचिए रक्षा उपकरण बन रहे होंगे। और ये कैसे होगा? शिक्षा से। जैसे हमारी शिक्षा अच्छी होगी, हमारे देश आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। तो देखेंगे 101 वस्तुओं की किस तरह से प्रतिबंध किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 101 वस्तुओं की सूची की घोषणा की है, जिनके आयात पर रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाया जाएगा। एक और बात याद रखिए, आज हम लोग अमेरिका को अपना दोस्त मान रहे हैं। हम लोगों से मैं कई देखता हूँ सोशल मीडिया पर कि कहते रहते हैं हम लोग कि वो अमेरिका ने ऐसा कर दिया, चीन के साथ ऐसा कर दिया, पाकिस्तान के साथ ऐसा कर दिया। देखिए, अमेरिका एक मतलबी दोस्त की तरह है। आज हमसे मतलब है, कल अगर मतलब हमसे हट गया वो निकल जाएगा हमें छोड़ के उसी धार में। आपने एक समय देखा होगा जब पाकिस्तान और चीन की तरफ पूरा झुकाव रहता था अमेरिका का, रूस हमारा दोस्त हुआ करता था बहुत अच्छा। आज आप देख रहे हैं उल्टा, रूस पाकिस्तान और चाइना की तरफ झुकाव रख रहा है और अमेरिका हमारी तरफ झुकाव रख रहा है। उसका एक ही मतलब है। क्या मतलब है इसमें? कि अगर चीन को प्रतिस्थापित करना है, यानी कि चीन को आगे बढ़ने से रोकना है, तो भारत की उसे मदद चाहिए, फिर चाहे वो दक्षिण चीन सागर को लेकर हो या फिर बाकी मामलों को लेकर हो। समझ रहे हैं? इसलिए हमारा साथ अभी अमेरिका दे रहा है, और हो सकता है कि कल ना दे, तो कम से कम हमारे पास इतना उपकरण तो होना चाहिए कि हम लोग अपने मतलब सेनाओं को अच्छे से रख सकें। इसके अगर प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो रक्षा मंत्रालय की हालिया निर्णय का अर्थ है कि सशक्त बल, नौसेना और वायुसेना के लिए इन 101 वस्तुओं की खरीद केवल घरेलू विनिर्माताओं के माध्यम से की जाएगी। यानी कि हमारे ही देश के जो भी विनिर्माता होंगे, जो भी उत्पादनकर्ता होंगे, उन्हीं से खरीद जाएगी। घोषित नियमों के अनुसार यह घरेलू निर्माता निजी क्षेत्र से भी हो सकते हैं और रक्षा क्षेत्र का कोई सार्वजनिक उपक्रम भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि मुकेश अंबानी भी इस तरह के बना सकते हैं, यानी कि निजी कंपनियां भी अपना इस तरह के उपकरण बना सकती हैं और सरकारी कंपनियां भी इस तरह के उपकरण बना सकती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में इस सूची में कुछ अन्य वस्तुओं को भी शामिल किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये बहुत पहले हमें निर्णय ले लेना चाहिए था। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत बाद में हम लोगों ने निर्णय लिया है, तो इसमें आगे हो सकता है 101 से आगे और भी वस्तुएं इसमें जोड़ी जा सकती हैं। इसके अलावा देश में रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चालू वित्त वर्ष में घरेलू पूंजीगत खरीद हेतु 52,000 करोड़ रुपए का एक अलग बजट प्रावधान किया गया है। ये भी अच्छी बात है। सूची में शामिल वस्तुओं की अगर बात करें तो रक्षा मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी की गई सूची में रक्षा क्षेत्र से संबंधित सामान्य वस्तुओं से लेकर उन्नत तकनीक संबंधी वस्तुओं को शामिल किया गया है। इस सूची में पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रडार, असॉल्ट राइफलें, सोनार सिस्टम, आर्टिलरी गन्स आदि शामिल है। गौरतलब है कि रक्षा आयात संबंधी सरकार के उक्त प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे और सरकार द्वारा घोषित 101 वस्तुओं की सूची में कुल 69 वस्तुओं के आयात पर इसी वर्ष दिसंबर माह से प्रतिबंध लगाया जाएगा।
कहने का मतलब है कि जो 101 वस्तुएं हैं इनमें से 69 वस्तुओं पर इसी माह यानी कि इसी साल में 2020 में दिसंबर में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, बाहर से आना बंद हो जाएंगे, हमारे ही देश में उत्पादन चालू हो जाएगा। अगले चरण में 11 वस्तुओं के आयात पर 2021 के अंत तक प्रतिबंध लागू किया जाएगा। वहीं सूची में शामिल 12 वस्तुओं पर वर्ष 2023 के अंत में और 8 वस्तुओं पर वर्ष 2024 में प्रतिबंध लागू होंगे। इसके अंतिम चरण में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल शामिल होगी, जिसके आयात पर वर्ष 2025 के अंत में प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। एक कहिए आप लोग कि बहुत बढ़िया काम किया जा रहा है, समझ रहे हैं? अब हम लोगों को लगेगा कि हम अपने हथियारों पर भरोसा भी कर सकते हैं। आप सोचिए कि बाहरी जो भी हथियार हैं उन पर भरोसा ही कम किया जा सकता है। अगर हमारे घर के रहेंगे तो हम लोग एक तरह से भरोसेमंद भी हो सकते हैं उस पर, ठीक है? आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है इसकी? बीते कई वर्षों में भारत विश्व के शीर्ष 3 रक्षा आयातकों में से एक रहा है। इसी तथ्य के मद्देनजर अब सरकार रक्षा क्षेत्र में आयातित वस्तुओं पर निर्भरता को कम करना चाहती है और घरेलू रक्षा विनिर्माण उद्योग को एक नई ऊर्जा प्रदान करना चाहती है। विश्व स्तर पर रक्षा निर्यात और आयात को ट्रैक करने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार कुल 16.75 बिलियन डॉलर के आयात के साथ भारत वर्ष 2014 से 2019 के बीच विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा उपकरण आयातक देश था। कहने का मतलब यह है कि हम लोग बहुत बड़े खरीददार हैं इनके जो भी रक्षा उत्पाद हैं, समझ रहे हैं? हमारे देश में कम ही इनका उत्पादन होता है, हम बाहरी देशों पर ज्यादा मतलब निर्भर हैं, आप कह सकते हैं इस तरह से। सूची में शामिल उत्पादों की तकरीबन 260 योजनाओं के लिए अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच तीनों सेनाओं ने लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का अनुबंध किया था। ये बहुत बड़ी राशि होती है, समझ रहे हैं? इसके अगर महत्व की हम लोग बात करें तो मुख्य रक्षा उत्पादों की आयात पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने घरेलू रक्षा उद्यमों को आगे बढ़ाने और तीनों सेनाओं की रक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर दिया है। ध्यातव्य है कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र के निजी विनिर्माताओं और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को अपने स्वयं के डिजाइन और विकास क्षमताओं का उपयोग करके मंत्रालय द्वारा घोषित सूची में शामिल वस्तुओं के निर्माण का एक महत्वपूर्ण अवसर दिया है। आप जानते हैं कि अमेरिका में देखिए कि सरकार कम ही उपकरण बनाती है रक्षा उत्पादन में, वहां की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वही निर्माण करती हैं। तो हमारे देश में दोनों ऑप्शन है कि प्राइवेट कंपनियां भी बना सकती हैं और सार्वजनिक यानी कि सरकार की तरफ से जो कंपनियां चलाई जा रही हैं वो भी इन्हें बना सकती हैं। इस संबंध में घोषणा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान और रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए आत्मनिर्भर भारत बहुत मुश्किल हो दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि आप आत्मनिर्भर का मतलब यही होता है कि हम पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर हो। ये भी मतलब इसका नहीं है कि बाहरी देशों से हम पूरी तरह से व्यापार बंद कर दें, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास इतना उत्पादन हो किसी वस्तु का कि अगर हम कोई सामान बाहर की दुनिया से खरीद रहे हैं 100 रुपए का तो कम से कम 100 रुपए का हम उन्हें बेच भी रहे हो, आप समझ रहे हैं? अभी देखिए हम लोग चाइना से नकारात्मक यानी कि आप कहिए कि निगेटिव व्यापार चलता है कि वहां से अगर हम लोग 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं तो उस देश को 10 रुपए का सामान बेच रहे हैं, या नहीं कि 90 रुपए का घाटा है हमें, इस तरह से मान सकते हैं। मोबाइल के क्षेत्र में आप देखते रहते हैं, फिर चाहे आप कच्चे माल के क्षेत्र में देखिए, दवाइयां आपके यहाँ बनती हैं बड़ी मात्रा में, तो कहते हैं कि 70 से 75% हम लोग चाइनीज कंपनियों पर निर्भर हैं, चाइना से मंगाते हैं कच्चा माल, और बाकी भी आप देखते रहते हैं बाजारों में पटे हुए बाजार आप देखते हैं चाइनीज कंपनियों के सामानों से, समझ रहे? तो इसे कम करना होगा, हमें उत्पादन अपने देश में आत्मनिर्भर बनाना होगा। आप सोचिए, अभी आपने देखा कि बायकॉट चाइना का खूब मूवमेंट चला, मैंने उस समय भी कहा था तब तक सफल नहीं हो सकता है जब हम पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर ना हो जाए। एक तरह हमारा हमारी सरकार डिजिटल भारत की बात करती है, आप सोचिए डिजिटल भारत को अगर सक्सेस बनाना है तो आपके सभी लोगों के पास फोन नेट की सुविधा तो होनी चाहिए, और फोन की सुविधा अभी देखिए कि हमारे देश में अगर आप सोचिए 100% फोन में से कम आप देखेंगे कि 70 से 75% फोन चाइनीज कंपनियों के हमारे देश में छाए हुए हैं। तो एक समय आप सोचिए कि 75% रोक देना एक मुश्किल की
बात है, जब तक कि हम इसका दूसरा विकल्प नहीं ढूंढ लेते। यही हर क्षेत्र में, फिर कोई भी वस्तु उत्पादन हो या किसी भी बात हो, चाइनीज बहुत बड़ा मतलब निर्यातक है, समझ रहे हैं, हमारे देश के लिए। सरकार को उम्मीद है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र केवल घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करके ही नहीं, बल्कि रक्षा क्षेत्र में एक निर्यातक बनकर भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। कहने का मतलब, आप सोचिए कि फ्रांस ने आपके देश को 5 रफेल भेजे, आप लोगों ने इतनी खुशियां मनाई है। एक बात दिमाग में सोचिए कि जो देश बना रहा है, इतना मतलब बेच रहा है, उसे मतलब कितना खुश होना चाहिए, समझ रहे। मुझे तो लगता है कि अगर आप सोचते हैं कि 5 रफेल से हाल में आप चीन को दबा लेंगे, पाकिस्तान को दबा लेंगे, आप दुनिया की ताकत बन जाएंगे, तो ये नामुमकिन है। आप सोचिए कि फ्रांस, तो मुझे लगता है कि दुनिया को डरना चाहिए उससे, फ्रांस ने, अगर फ्रांस के पास तो बेहतर तकनीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है, हमें खुश होने की कोई जरूरत नहीं मुझे लगता है, क्योंकि हमसे पहले भी कई देश खरीद चुके हैं रफेल इस तरह के, और हम भी खरीद रहे हैं। लाभ तो हमें मतलब खुश तो उस दिन होंगे कि इस जैसे रफेल से भी तगड़े हम लोग युद्धक क्षमता, जो भी आपके विमान है, उन्हें दूसरे देशों को निर्यात कर रहे होंगे, यानी कि बेच रहे होंगे हम लोग, तब हम खुशियां मनाएंगे और खुश भी होंगे। ये हमारी अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान भी देगा। सरकार को उम्मीद है कि आगामी 6 से 7 वर्ष के भीतर घरेलू उद्योग के साथ सूची में शामिल वस्तुओं को लेकर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध भी किए जाएंगे। थल सेना और नौसेना और वायुसेना से विमर्श की बात करें अगर हम, तो सरकार ने घोषणा की है कि प्रतिबंध वस्तुओं की सूची की घोषणा उन सभी संबंधित हितधारकों, जिसमें तीनों सेवाएं भी शामिल है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, से विचार विमर्श करने की बात ही की गई है, जो सूची में शामिल उपकरणों, हथियारों और प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं। 101 वस्तुओं की सूची की घोषणा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय ने उपकरणों की सूची में से संबंधित निर्णय के लिए भारतीय घरेलू उद्योग की वर्तमान और भविष्य की क्षमता का आकलन करते हुए सशक्त बल और निजी तथा सार्वजनिक विनिर्माताओं समेत सभी हितधारकों के साथ कई दौर की परामर्श प्रक्रिया के बाद सूची तैयार की है। आप सोचिए कि ये एकाएक नहीं है कि रक्षा मंत्री ने रात में सोचा कि हमें ऐसा कर देना चाहिए और सुबह उठकर उन्होंने ऐसा कर दिया, नहीं, इसके बारे में उन्होंने कई लोगों से विचार विमर्श किया कि हम सक्षम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हम क्या कर पाएंगे, इसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान और रक्षा क्षेत्र। आत्मनिर्भर भारत अभियान संबंधी राहत पैकेज की घोषणा करते हुए मई माह में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने रक्षा क्षेत्र से संबंधित इस प्रकार की सूची बनाने के संकेत दिए थे। ये पूरा पिछले साल की बात की जा रही है, याद रखिए। वित्त मंत्री ने उल्लेख किया था, माफ करिएगा, मई माह में रक्षा मंत्री आपकी, यहाँ रक्षा मंत्री की जगह आप देखिए वित्त मंत्री होना चाहिए था, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, समझ रहे हैं आप लोग। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साहब ने रक्षा क्षेत्र से संबंधित इस प्रकार की सूची बनाने के संकेत दिए थे। वित्त मंत्री ने उल्लेख किया था कि सरकार एक निश्चित समय सीमा में आयात पर भी निबंध के लिए हथियारों उपकरणों की एक सूची अधिसूचित करेगी और आयातित उपकरणों के स्वदेशीकरण पर जोर देगी। निर्मला सीतारमण के अनुसार सरकार रक्षा उपकरणों की घरेलू खरीद के लिए अलग बजट प्रावधान बनाएगी, जिसमें विशाल रक्षा आयात बिल को कम करने में मदद भी मिलेगी। वित्त मंत्री द्वारा रक्षा क्षेत्र को लेकर आत्मनिर्भर भारत अभियान संबंधी राहत पैकेज के तहत ही की गई अन्य घोषणाओं में संभवतः रूट के तहत, ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा विनिर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को 49% से बढ़ाकर 74% करना, आयु निर्माण बोर्ड के निगमीकरण के माध्यम से उसकी स्वायत्तता और जवाबदेही में सुधार करना, समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया और तेजी से निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया का निर्माण आदि शामिल थे। याद रखिए, ये भी जो भी रक्षा मंत्रालय द्वारा या रक्षा मंत्री द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, ये स्वागत योग्य भी है, बहुत अच्छा काम है एक तरह से, ठीक है। तो यही कुछ प्रावधान थे, मुख्य तथ्य थे, जो आप लोगों को जानना चाहिए।